रहमान रहीम शुरू अल्लाह के बाबरकत नामों से। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मैं हूँ इफ़त खालिक पर डिलीशियस फूड में आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ और दुआ करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और मेरे लिए दुआ गो होंगे। आज फ्रेंड आज बहुत ही मज़ेदार सा यमी यमी और जूसी सी हम डिश बनाने जा रहे हैं, जिसे वाकई खा के आप कहेंगे कि मज़ा आ गया। फ्रेंड आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन टिक्का, बिल्कुल कम इंग्रेडिएंट से और वो भी बाज़ार से भी अच्छा और मज़ेदार। आइए चलते हैं रेसिपी की तरफ। हमारे पास ये है 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन द पेस्ट और 3 टेबल स्पून चाट मसाला है हमारे पास। नमक हसबी ज़रूरत है और ये जर्दी का रंग है। सिरका हमारे पास है 1/2 प्याली और 6 टेबल स्पून हमारे पास कुटी और पिसी हुई मिर्चें हैं। और ये हमारे पास चिकन है, 3 किलो चिकन है। आपकी जितनी मर्ज़ी आप उस हिसाब से चिकन ले लें। मेरे घर में मैंने बच्चों की पार्टी रखी थी तो मैंने सोचा कि चलें हम थोड़ी बहुत चीज़ें इसके साथ और बना लेते हैं। हमने इसके अंदर अदरक लहसुन डाला। इसमें फ्रेंड्स बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स हैं, आप देखेंगे बहुत ही मज़ेदार है। एक्स्ट्रा कोई चीज़ नहीं डली हुई है। इसमें चाट मसाला हमने 3 टेबल स्पून डाला है। नमक हसबे ज़रूरत है, नमक थोड़ा सा कम ही डाली है क्योंकि चाट मसाले में भी नमक होता है। ये हमने पिसी कूटी हुई मिर्चें डाली हैं, इससे टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आता है। आपको जितना इसमें मिर्चें स्पाइसी रखना है, ये बना रही थी तकरीबन ऐसे कि सब खा सकें, तो इसलिए ये जर्दी का कलर यानी कि ऑरेंज कलर फूड कलर हमने इसके अंदर डाला है। ये हमारे पास सिरका है 1/2 प्याली, हमने इसके अंदर सिरका डाला है। इसको डालने के बाद हमने इसको बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है कि यह हर पीस पे कोट हो जाए, क्योंकि जर्दे का कलर जो हमने डाला है इससे क्या होता है, एक बहुत ही यमी सा कलर इसके ऊपर आ जाता है। बहुत ही इसकी लुक बहुत ही ज़बरदस्त लगती है। आप देखिएगा, आपने देखा भी है और आप आगे देखेंगे भी, इसके कलर बहुत ज़बरदस्त आता है। ये हमने मिक्स करके रख दिया है, तकरीबन 2 घंटे आप इसे मैरिनेट करके रखें। अगर आप जल्दी हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा टेस्ट में फ़र्क आएगा। जितनी देर आप रखेंगे टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आएगा और ये इसको आपको ज़्यादा पकाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ये हमने ऑयल ले लिया है, ऑयल को हमने गरम कर लिया, पहले देखा है कि गरम हुआ है या नहीं, तो हमने इसको गरम ऑयल में डाल के फ्राई कर रहे हैं। अगर आप इसके ऊपर धुआं देना चाहें तो कोले का, जब ये तैयार हो जाए तब दे दें, या जब मसाला लगा के रखा, जिस तरह से भी आपको पसंद हो आप उस तरह से इसको कर सकते हैं। अब मैंने इसको करके जो है फ्राई करके हमने सेकंड साइड उसकी कर रहे हैं, यानी कि साइड हम उसकी पलट रहे हैं। एक साइड से हमने कर लिया है और दूसरी साइड से हम इसको पलट रहे हैं कि ये अच्छी तरह से हो जाए। मैंने इसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाया, यकीन करें ये 2 से 3 मिनट के अंदर अंदर ये मेरे बहुत ही ज़बरदस्त यमी से जो है ये तैयार हो गए थे। आप ये देख सकते हैं कि ये बहुत ही जल्दी गल गए हैं, क्योंकि जो है मैंने इसको ज़्यादा देर नहीं पकाया, 2 घंटे मैंने इसको मैरिनेट करके रखा था। आप इसको रायते के साथ खाएं, मैंने इसके साथ रायता बनाया था, केचप के साथ खाएं, मेयोनीज़ के साथ खाएं, यकीन करें बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही यम्मी बने थे। आप इसको ज़रूर मेरे तरीके से ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार बनेंगे। आप ये देखें कि कोई चीज़ ज़्यादा लगी भी नहीं और ये इतने मज़ेदार बन गए। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।